नमस्कार मित्रों, मैं मोहित शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल नेचर लवर मोहित शुक्ला में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अपना ये अमरूद का पेड़, जो कि एक ताइवान पिंक गुआवा प्लांट है और यह 14 इंची पॉट में लगा हुआ है जो कि प्लास्टिक का है। इसमें फ्रूटिंग तो काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई है, परंतु इस सीज़न का आज हम पहला फ्रूट हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि ये लगा हुआ है। शायद ये कैमरे में आपको बहुत छोटा लग रहा हो, पर ये काफ़ी बड़े साइज का फ्रूट है और इसका वेट करीब 250 ग्राम से 300 ग्राम होगा। और इसका लाइट ग्रीन कलर बता रहा है कि ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और आज दीपावली का अवसर है, तो इसमें ये माता लक्ष्मी को समर्पित होगा ये फ्रूट। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इसको हम भी अमरूद का पेड़ लगाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी फ्रूटिंग हो रही है। अभी इसका सीज़न स्टार्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं दो दो के जोड़े में लगे हुए हैं ये फ्रूट्स, और काफ़ी सारे ये फ्रूट्स बन रहे हैं। ये फ्रूट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, काफ़ी सारे हैं, चारों तरफ इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। अब इसकी तुलना में आप ये देख सकते हैं फ्रूट कितना बड़ा साइज का है। तो आप भी इसी तरह के बड़े बड़े फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका होता है कि हमको सबसे पहले पौधे को डेवलप करना होता है, और उसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी बहुत सारी पिंचिंग की हुई है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक डाल बड़ी जा रही थी जिसकी मैंने पिंचिंग कर दी, अब यहाँ से दो डालें निकलेंगी। सेम यही प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी किया हुआ था, आप देख सकते हैं इस जगह मैंने पिंचिंग किया हुआ था जिसके बाद यहाँ से दो डालें निकली। ये देखिए, इसमें इस तरीके से पिंचिंग कर देने से इसमें बहुत ज़्यादा डालें निकलती हैं, और जब डालें ज़्यादा निकलेंगी तो उनमें फ्रूटिंग होने की संभावना भी ज़्यादा होगी। और समय समय पर ये डैमेज जैसे पीली पत्तियाँ हो गई हैं तो इनको भी रिमूव करते रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट की कितनी अच्छी कैनोपी बन गई है। यह लगभग 3 साल पुराना पौधा है मेरा, और इसकी सॉइल अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिच सॉइल है ये। ये बिल्कुल बलुई मिट्टी है जिसमें, जो कि अमरूद को बहुत पसंद भी रहती है। इसमें पानी डालने के बाद तुरंत पानी नीचे से निकल जाना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमारे जो भी गमलों में हम पानी देते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा वाटर इस तरीके से निकल जाता है, लेकिन मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। तो जो मैं इसमें खाद देता हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने इसमें 40% वर्मी कंपोस्ट और 40% गार्डन सॉइल और 20% गंगा जी की रेत लेकर के मैंने मिक्स करके इस पौधे को लगाया हुआ था, और मैं यही पूरा फंडा यूज़ करता हूँ सारे प्लांट्स के लिए। ये देखिए, यहाँ से व्यू कितना अच्छा आ रहा है इस अमरूद का। और हमारे घर में इसी तरह काफ़ी सारे फ्रूटिंग प्लांट्स फ्रूट प्रोड्यूस करते रहते हैं। जैसे आप ये बगल में देखेंगे, ये हमारा पपीते का लगा हुआ प्लांट, ताइवान पिंक लेडी इसका वैरायटी का नाम है। अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, इसके फ्रूट्स मैं बहुत जल्द दिखाऊंगा आपको। और ये देख सकते हैं एप्पल बेर लगा हुआ है जिसमें भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग चल रही है, काफ़ी सारे फ्रूट्स इसमें देख सकते हैं बड़े साइज़ के होने लगे हैं, पर मैं इसको आपको किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और जो भी गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं वो अपने घरों की छत पर एक अमरूद का पौधा जरूर लगाएंगे, क्योंकि अमरूद की कीमत भले ही फलों में बड़ी सस्ती हो, लेकिन जो अपने छत पर लगे हुए अमरूद को देख करके खुशी मिलती है वो मार्केट से लाए हुए अमरूद में नहीं मिल सकती है। थैंक यू।